हाँ भाई, हम टेस्ट मैच जीत गए, वो भी इस वक्त की टेस्ट की सबसे फुस्सी टीम से। मगर क्या इस जीत से किसी को कुछ महसूस हो रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि इस मैच से पहले ही सबको मालूम था कि क्या होने वाला है। ये तो साला हो नहीं। हाँ, WTC फाइनल की हार के बाद जो इंडियन फैंस आनंद भाई बन गए थे, सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है। जिंदा तो है, फिर भी जिंदा नहीं है। इस जीत के बाद उन फैंस में थोड़ी सी जान वापस जरूर आ गई होगी। मानना पड़ेगा BCCI वालों का दिमाग बहुत तेज चलता है, सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, इंडियन क्रिकेट फैंस को खुश करने में भी। WTC की हार भुलाने के लिए इन्होंने अगली सीरीज वेस्ट इंडीज से रख दी, क्योंकि इनको पता था इंडिया वेस्ट इंडीज से तो हारने वाली है नहीं, और इंडियन फैंस को एक छोटी सी जीत चाहिए होती वापस से खुश होने के लिए। BCCI वाले इंडियन फैंस की रग रग को जानते हैं। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। मगर भाई, इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो रियान पराग में भी नहीं था जितना ओवर कॉन्फिडेंस BCCI में है। इस सीरीज की टैगलाइन थी, सब जवाब मिलेंगे कुछ भी। मगर भाई, सवाल क्या थे कि वेस्ट इंडीज कितने दिन में ये टेस्ट मैच हारेगी, या फिर वेस्ट इंडीज की सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा? वैसे इस बात का जवाब एश अन्ना ने तो दे ही दिया, बस मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल को क्यों मिला? भाई मेरे हिसाब से तो एक टेस्ट मैच में 12 विकेट लेना कोई छोटी बात नहीं है, और ये मैन ऑफ द मैच अश्विन अन्ना डिजर्व करते थे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि कौन ज्यादा डिजर्विंग था मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए, यशस्वी जायसवाल के 171 रन या फिर अश्विन अन्ना की 12 विकेट। वैसे भाई, जिस टीम ने टेस्ट मैच में सवाल पूछे थे वहां तो हम कुछ कर नहीं पाए। खैर छोड़ो पुरानी बातें, इस मैच में वापस आते हैं। इस मैच में वही हुआ जो सबको पहले से पता था, और टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 3 ही दिन में कर दिया खत्म। और मैच के बाद सबको पता लग ही गया होगा कि अश्विन अन्ना को WTC के फाइनल में ना खिला के कितनी बड़ी गलती की गई थी। भुक्के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मगर मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई, वेस्ट इंडीज वालों को स्पिन ट्रैक बनाने का ज्ञान किस भाई साहब ने दिया? जब उनके सामने अश्विन और जडेजा जैसे स्पिनर हैं, तो भाई विकेटों का नंगा नाच तो होना ही था। इस 3 दिन के टेस्ट मैच के दौरान इंडिया की दो चीजें आसमान को चीरती हुई अंतरिक्ष में निकल गई। पहला तो भाई अपना चंद्रयान 3, और तुम भी चंद्रयान के लॉन्च से प्राउड फील कर रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दूसरी चीज जो आसमान को छू गई वो है यशस्वी जायसवाल की बैटिंग। इस बंदे ने डेब्यू में बहुत तगड़ी इनिंग खेल के दिखाई है, इतना स्कोर तो वेस्ट इंडीज की टीम 2 बार खेल के भी नहीं कर पाई जितना स्कोर इस बंदे ने एक ही इनिंग में कर दिया। इस पूरे मैच में वेस्ट इंडीज का पदरा सिर्फ एक ही चीज में भारी दिखा उसके अलावा हमारे हल्के से यशस्वी जायसवाल पूरी वेस्ट इंडीज टीम पे भारी पड़ गए। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे इस मैच से विराट कोहली से जो लोग 76वां शतक मांग रहे थे उनको 76वां मिल गया। शतक तो नहीं मिला मगर स्कोर 76 जरूर मिल गया। हालांकि विराट कोहली को इस इनिंग में 2 चांसेस जरूर मिले थे, मगर इस 76 रन की इनिंग से विराट कोहली को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि अब वो फैब 4 का पार्ट नहीं होना चाहिए, शायद अब वो भी खत्म। चलो बात करते हैं इस मैच के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। इस मैच का पहला पॉजिटिव, रोहित भाई की सेंचुरी। इस सेंचुरी के साथ हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि रोहित भाई की फॉर्म वापस आ जाए, जो कि इस साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई होप इस इनिंग के बाद रोहित शर्मा की थोड़ी टेंशन कम होगी और थोड़ा सा हेयर फॉल भी। पॉजिटिव नंबर 2, यशस्वी जायसवाल टेस्ट ओपनर के रूप में एक अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, मगर उन्हें अभी भी क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट खेलना बाकी है, उसके बाद हम फाइनल वर्डिक्ट दे पाएंगे। पॉजिटिव नंबर 3, टेस्ट के नंबर 1 बॉलर को पिच कंडीशंस देख के बिठाया नहीं जा सकता, इस बात को लिख के रख लो। चलो अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स के बारे में। नेगेटिव नंबर 1, विराट कोहली की विकेट। विराट कोहली को अच्छी स्टार्ट मिलने के बावजूद ऐसे टुच्चे मुच्चे बॉलर्स को खराब बॉलों पे विकेट देने की आदत जा नहीं रही है। विराट भाई, आपसे थोड़ा बेटर उम्मीद करते हैं हम। नेगेटिव नंबर 2, इंडियन फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद सिराज के अलावा किसी भी कुछ दम नजर नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है ये पिच की वजह से हो, मगर कंडीशन चाहे जो भी हो, मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नेगेटिव नंबर 3, अजिंक्य रहाणे का फिर से फ्लॉप होना। भाई एक इनिंग में चलने के बाद अगली इनिंग में फ्लॉप होना, ऐसे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, स्पेशली जब आपको वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया हो। तो ये था मेरा इस छोटे से टेस्ट मैच का छोटा सा रिव्यू। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।